आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। पानी की निकासी जैसे मामूली विवाद में हत्या करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी थी। घटना के बाद फरार होने की फिराक में भाग रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह मामला जबलपुर के मढ़ोताल थाना क्षेत्र आउरिया गांव का है। बताया गया कि 2 जनवरी को पानी निकासी को लेकर हुए विवाद के दौरान नरेंद्र केवट के साथ भोला विकास और विशाल केवट ने मारपीट की थी, जिस दौरान नरेंद्र की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को औरैया गांव में मृतक नरेंद्र केवट, पिताजी का नाम है उसके गोपी केवट, उम्र करीब 35 साल का है। इनका अपने पड़ोसी भोला केवट, विकास केवट और विशाल केवट निस्तार के पानी की निकासी की बात को लेकर आपसी क्या सुनी होकर विवाद हुआ, जिसमें आरोपी भोला केवट, विशाल केवट, प्रकाश केवट ने लाठी और ईंटों से मारपीट करी, जिसमें आरोपी जिसमें मृतक नरेंद्र केवट के सिर पर गंभीर चोट पहुंची। इसके भाई राजेश केवट को भी चोट पहुंची। नरेंद्र केवट को हॉस्पिटल रवाना किया गया। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। 302 के अंतर्गत आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है। जी आरोपी भी खेती किसानी और मजदूरी का काम करते हैं। ये दोनों ही पक्ष एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। आपस में काका बाबा की रिश्तेदारी है। निस्तार के पानी को लेकर आपसी विवाद इनका चल रहा था कई दिनों से, और उसी इशू को लेकर था इनके बीच में विवाद हुआ और मारपीट, जिसमें नरेंद्र केवट के सर पर गंभीर चोट पहुंची और उसमें सी बच्ची हो गई।